श्री काशी विश्व में एकमात्र नगरी जिसे विद्वत नगरी कहते हैं। श्री काशी का कण कण भगवती भागीरथी गंगा की तरह ही वैदिक वांग्मय के ज्ञान प्रवाह से भी परिप्लावित हो रहा है। पारंपरिक शैली से शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन यहाँ की जीवन शैली है। श्री काशी विद्वानों की खनी है। जैसे गंगा का प्रवाह काशी की पहचान है, जैसे गंगा तट के पवित्र घाट काशी की पहचान है, जैसे बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा काशी की पहचान है, ठीक उसी तरह विद्वत्ता भी काशी की पहचान है। श्री काशी में वेद वेदांत, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र, साहित्य, न्याय, व्याकरण, मीमांसा आदि प्रत्येक विषयों में पारंगत विश्वविख्यात विद्वानों की परंपरा आज भी जीवित है। माँ गंगा के तट पर माँ सरस्वती की अर्थात ज्ञान की आराधना काशी की अपनी एक अलग ही पहचान है। आज हम सबके लिए एक अति आनंदप्रद और गौरवप्रद घटना घट रही है कि आज परब्रह्म स्वामी नारायण प्रबोधित इस वैदिक सनातन अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के संरक्षण, संपोषण और संवर्धन हेतु यहाँ श्री काशी जो एकमात्र नगरी विद्वत नगरी के नाम से विश्वविख्यात है, इस नगरी में BAPS स्वामीनारायण संस्था संचालित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की स्थापना हो रही है। इस पीठ की स्थापना का दिव्य संकल्प हमारे वर्तमान गुरु हरि प्रकट ब्रह्म स्वरूप श्री महंत स्वामी जी महाराज ने किया है। उनके आदेश के अनुसार मैं श्री काशी में श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के दिव्य सानिध्य में विविध विद्याओं में पारंगत ऐसे आप विद्वद्वरियों के महनीय उपस्थिति में, परम तपस्वी संतगण की उपस्थिति में और भाविक भक्तगण की उपस्थिति में इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की स्थापना की विधिवत घोषणा करता हूँ। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की जय। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की जय। प्रत्येक संप्रदाय में दार्शनिक पीठ की स्थापना का एक विशिष्ट महत्व होता है। दार्शनिक पीठ उसे कहते हैं जहाँ परंपरागत रूप से संप्रदाय के तत्व ज्ञान का अध्ययन अध्यापन होता है। संप्रदाय के तात्विक पक्षों को शास्त्रीय शैली से मजबूती दी जाती है। विद्वानों के साथ गहनता से दार्शनिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। विविध विषयों पर शोध कार्य किए जाते हैं। न्याय, व्याकरण, वेदांत, साहित्य आदि संस्कृत ग्रंथों का प्राचीन गुरुकुल पद्धति से पठन पाठन किया जाता है। कार्यशालाएं, सम्मेलन, परिसंवाद इत्यादि कार्यक्रम के माध्यम से विद्वता को परिपुष्ट की जाती है। संक्षिप्त में कहना हो तो पीठ उसे कहते हैं जहां परिपक्व शास्त्र प्रवीण और पारंपरिक विद्वानों को तैयार किया जाता है। श्री काशी में आज ऐसे ही एक पीठ की स्थापना हो रही है, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ का जय हो।
अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ का जय हो। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ का जय हो। आज अक्षर पुरुषोत्तम पीठ की स्थापना हो रही है काशी की इस परम पवित्र भूमि में, और उसमें भी महामना का ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और मालवी मूल्य अनुशीलन केंद्र के महामना के इस पावन सभागार में काशी के विशिष्टतम विद्वानों की महनीय उपस्थिति में महामहोपाध्याय आचार्य साधु भद्रेश दास जी का अलंकरण भी होना है, और हमारे काशी के जो विशिष्ट विद्वान हैं उनका भी अलंकरण होना है। कार्यक्रम को मैं अब आरंभ करने जा रहा हूँ। वैदिक मंगलाचरण से हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ हो। हरे हे ओम जराय जहा प्रथमा श्री और पूज्य भक्त प्रिय स्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुनि वत्सल जी महाराज वो आए और पूज्य भक्त प्रिय स्वामी जी का परिचय दें। बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ सद्गुरुवर्य परम पूज्य भक्ति प्रिय स्वामी जी, जो अपनी स्वर्णिम संतता के स्वयं प्रकाशित है, उनका परिचय देना अर्थात सूर्य के आगे दिया धरना। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज जो एक महान युग विभूति विरल योगी थे, जिन्होंने दिल्ली के अक्षरधाम के सर्जन का संकल्प किया था, उनके वरद हस्तों से आपने 1960 में संत दीक्षा ग्रहण की। सारे संसार में परिभ्रमण करके आपने हजारों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया है, और निर्वेद के पथ पर चलने वाले साधकों के लिए आप स्वयं एक दीप स्तंभ के समान है। ऐसे साधु चरित उदार चरित परम पूज्य सद्गुरुवर्य भक्ति प्रिय स्वामी जी का हम सभी दो हाथ जोड़ के वंदन करके उनका अभिवंदन करते हैं। पूज्य स्वामी भक्ति प्रिय स्वामी जी महाराज और भद्रेश दास जी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम भगवान को माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। पहले पूज्य भक्तिप्रिय स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण करेंगे। आचार्य भद्रेश दास जी सभी हमारे मंचस्थ विद्वानों को माल्यार्पण कर रहे हैं।
अब इसके बाद अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की स्थापना होगी। आप सभी विद्वानों से निवेदन है कि यहाँ पर आ जाएं, जो वरिष्ठ विद्वान है हमारे सब मंच पे आ जाएं। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की जय। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की जय। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की उद्घोषणा हमारे प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी जी के द्वारा की जाएगी। अभी जिस परम दिव्य पीठ की स्थापना आप लोगों के समक्ष हुई है, उसमें इस काशी की ये महान विद्वान मंडली अपना समर्थन कर रही है। इस विषय का एक घोषणा पत्र बांचने का मुझे निर्देश हुआ है। परब्रह्म स्वामी नारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एक वैदिक सनातन स्वतंत्र मौलिक दर्शन है। यह तथ्य स्वामी भद्रेश दास रचित प्रस्थानत्री भाष्य ग्रंथों से ही अवगत होता है। श्री काशी में अद्वैत विशिष्टाद्वैत इत्यादि वैदिक सनातन दर्शन की पीठें तो हैं, परंतु आज परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की भी पीठ स्थापित की जा रही है। ये हम सभी काशीवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। हम आज काशी के समस्त विद्वान और विद्याप्रेमी लोग इस पीठ का इस काशी में सानंद सादर और स्नेहपूर्ण समर्थन करते हुए इसका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आज अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की स्थापना हुई है। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज साक्षात विराजमान है। काशी के विद्वान आज अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ का स्वागत कर रहे हैं, तो दो चरण हम बोलेंगे और दूसरे दो चरण आपको बोलना है। और आप जो स्वागत करते हैं, स्वागतम स्वागतम काश्याम अक्षर पुरुषोत्तम, ये जो मूर्तियां बैठी हैं, जो पीठ, ये जो दर्शन, ये तत्वज्ञान, उसका आज पंडित वर्ग स्वागत करता है। पंडित के सिवा दर्शन का कौन स्वागत कर सकता है? और इसीलिए आज पंडितों के बीच में तो मैं दो चरण बोलूँगा और उत्तर दो चरण आप सबको उद्घोष के साथ बोलने हैं। दिव्य दर्शन दानाय सौभाग्य वर्धनाय मे स्वागतम स्वागतम काश्याम अक्षर पुरुषोत्तम। दिव्य सेवा प्रदानाय भाव संपूर्तये मम स्वागतम स्वागतम काश्याम अक्षर पुरुषोत्तम। दुख दारिद्र्य नाशाय संकल्प पूर्णाय मे स्वागतम स्वागतम काश्याम अक्षर पुरुषोत्तम। समाम सेवां प्रदातुं ते ब्रह्मणा सह सर्वदा स्वागतम स्वागतम काश्याम अक्षर पुरुषोत्तम। प्रत्यक्ष गुरु रूपं ते स्वरूपं परिचायितुं स्वागतम स्वागतम काश्याम अक्षर पुरुषोत्तम। आज्ञायाम अनुवृत्तौ च वृत्तिं दृढयितुं मम स्वागतम स्वागतम काश्याम अक्षर पुरुषोत्तम। नमः पार्वती पतये हर हर। धन्यवाद। हमारे अपने समय में एक महत्वपूर्ण घटना सनातन धर्म में हुई,
और उसमें एक संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। वो समस्त विश्व में स्वामीनारायण संप्रदाय के नाम से विख्यात है, उसके परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अक्षर पुरुषोत्तम धाम और पीठ की ये जो स्थापना हो रही है उसमें मुझे बहुत बड़ी एक आशा दिखाई पड़ रही है, वो ये कि ऐसा यह केंद्र बने जिस केंद्र में स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुसार समस्त वाङ्मय का अनुशीलन विधि विधान के साथ किया जाए, अच्छा अनुशीलन हो, प्रकाशन हो, उसमें जर्नल निकल रहा है, जर्नल में वो बातें सामने अंग्रेजी हिंदी संस्कृत तीनों भाषाओं में अन्य भाषाओं में भी कही जाएं, ये है ग्रंथों का अनुशीलन और अनुवाद हो। लेकिन इसके साथ साथ न्याय, वेदांत, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य योग, जितने भारतीय दर्शन हैं सबका विधिवत अध्यापन अनुशीलन होना चाहिए। इसमें अगर ये पीठ कार्य करेगा तो मुझे विश्वास है कि इस पीठ की दिग्दिगंत व्यापिनी कीर्ति होगी। इस आशा के साथ मैं आज यहाँ आया और उनको मैंने प्रणाम किया। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की स्थापना काशी में हो जाने पर इस दर्शन का यथावत प्रसार प्रसार जो है तो भली भांति हो सकेगा। इस पीठ में एक ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद प्राप्त है जो सिद्ध पुरुष थे, प्रमुख स्वामी जी, इसलिए हमारी शुभ संसा तो है ही, ऐसे में एक महापुरुष का जो अनेक सिद्ध पुरुष थे जो उस सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त है, अतः इस दर्शन को विश्व में प्रसिद्ध होना ही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पंच तत्व मानते हैं ये स्वामीनारायण अक्षर धर्म अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के विद्वान, ये पंच तत्व है आपका जीव और ईश्वर, न जीव माया ईश्वर अक्षर और पुरुषोत्तम, ये पांच तत्व जो मानते हैं, इन पांच तत्वों में इतनी सरलता है कोई भी व्यक्ति जो शिक्षित हो अशिक्षित हो वो इसको आत्मसात करके अपना अपना जीवन इस संसार में इस संसार के बाद भी उन्नत बना सकता है। और ये दर्शन अपने आप में कुछ अलग अलग है, इसलिए तो अलग दर्शन है। तो इसलिए जैसे द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत उसी तरह ये भी एक दर्शन है, और इसी दर्शन के माध्यम से हम लोगों को जो परमपिता जो परमेश्वर है या परमात्मा है उनको प्राप्त करना है। अक्षर पुरुषोत्तम पीठम सततम वर्धताम, किसी मत का खंडन नहीं करना और किसी मत का बिना खंडन किए हुए उसमें एक अपनी बड़ी लकीर खींच देना, ये वैशिष्ट होने के कारण ये पूरे विश्व में काशी में, तो देखिए जब काशी में प्रतिष्ठा जिसको मिल गई समझिए पूरे विश्व में उसको प्रतिष्ठा मिलनी है। और इस दर्शन पीठ का सबसे पहली जो स्थापना हो रही है ये विद्वन मंडली काशी में हो रही है। आप जानते हैं कि जितने भी द्वैत अद्वैत जितने भी बाद इस जगत में हुए हैं, शंकराचार्य को भी अपने सिद्धांत को स्थापित करना हुआ तो यहाँ आना पड़ा, भगवान बुद्ध को भी आना पड़ा, तो ये ऐसी भूमि है जहाँ जो चीज़ स्थापित होता है वो संपूर्ण भूमि में संपूर्ण विश्व पटल पर पहुँच जाता है। हमारी अवस्था 60वें में चल रही है, मैंने जो देखा इधर 40 वर्षों में ऐसी भव्यता, ऐसा भव्य समारोह, ऐसे विद्वानों का संगम यहाँ पर जो मैंने देखा वह अद्भुत है, अत्यंत प्रशंसनीय है। वो काशी तो धन्य होगी ही, काशी के विद्वज्जन काशी के सामान्य जन धन्य होंगे, लेकिन वो परंपरा धन्य होगी, वैदुष्य की परंपरा धन्य होगी, वो संप्रदाय धन्य होगा और वो दर्शन पीठ भी धन्य होगी। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एक मौलिक विशिष्ट स्वतंत्र वैदिक सनातन दर्शन है।
इस दर्शन को स्वयं परब्रह्म स्वामी नारायण भगवान ने इस भूमंडल पर प्रस्थापित किया है। स्वामी गुणादियानंद जी महाराज से लेकर सांप्रत काल में विराजमान परम पूज्य श्री महंत स्वामी महाराज जी के रूप में विद्यमान अक्षर ब्रह्म गुणातीत गुरु की परंपरा से इस दर्शन का अविरत और अखंडिततया संरक्षण, संपोषण, संवर्धन और प्रवर्तन हो रहा है। भगवान स्वामीनारायण के तृतीय आध्यात्मिक अनुगामी ब्रह्मस्वरूप यज्ञ पुरुष दास जी अर्थात श्री शास्त्री जी महाराज ने ही परब्रह्म स्वामीनारायण के वचनामृतों में समुपदिष्ट तत्वज्ञान को अक्षर पुरुषोत्तम इस नामाभिधान से सर्वप्रथम जगविख्यात किया है। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने ही स्वामीनारायण भगवान के संकल्प और आदेश अनुसार वैदिक सनातन शास्त्रों के में प्रकृतित ऐसे अक्षर और पुरुषोत्तम इन दो दिव्य तत्वों की प्रतिमाओं को भव्य गगनचुंबी मंदिरों में मध्यखंड में प्रस्थापित कर समग्र वैदिक सनातन सिद्धांत को ही अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के रूप में मूर्तिमान कर दिया है। परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप श्री प्रमुख जी महाराज ने अविरत विचरण कर इस सनातन वैदिक सिद्धांत का समग्र भूमंडल में विस्तार किया है। आज मेरी आप सर्व विद्वानों से प्रार्थना है कि आप इस अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ को आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान विश्वनाथ जी के आशीर्वाद हम सब पर सदा बरसते रहें। आपके सहयोग से इस पीठ को अधिक बल मिलेगा। भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरु श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में आप सबकी सर्वविध उन्नति के लिए, निरामय स्वास्थ्य के लिए, परम यश और कीर्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की जय। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन पीठ की जय।